Hello student, this is second video of chapter 14, that is light. In this video we learn about spherical mirror and lens. Spherical mirror are two types. Number one is concave and number other is convex. अब spherical mirror जो है एक hollow spherical ball जो है कांच की glass की उससे बनता है. एक hollow ball को यदि हम कहीं से भी काट लें, चाहे यहां से चाहे यहां से, तो इस तरीके से एक spherical mirror बन जाएगा. और अब वो concave है या convex किस पे depend करेगा, अगर उस मिरर की इस वाली साइड को हम पॉलिश कर देंगे तो वो बन जाएगा कॉनकेव मिरर, और यदि उस मिरर की हम अंदर वाली साइड को पॉलिश कर देंगे तो वो बन जाएगा कॉनवेक्स मिरर. और दोनों मिरर्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे कि यदि हम बात करें कॉनकेव मिरर की, ठीक है, ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो इसमें पहले तो पॉइंट क्या क्या होते हैं. ये इसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जब किसी हम हॉलो स्फीयर से मिरर को निकालते हैं तो उस समय जब स्फीयर होता है, वो जब गोला बना होता है, उस समय जो उसका सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ और ये होता है जहां पर हम इसका सेंटर मानते हैं वो होता है पोल. ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. और इसका जो हाफ डिस्टेंस है, या कह सकते हो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं फोकस. ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, ये पोल हो गया, पोल, फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट कहां कहां रखेंगे तो इमेज किस तरीके से बनती है. ठीक है, थोड़ा सा इसको, बहुत ज्यादा नहीं है अभी आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूं. अगर बहुत दूर, जिसको हम कहते हैं बहुत दूर, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमने कॉनकेव मिरर लिया है उसकी इमेज बनाने के लिए, तो इमेज जो है यहां पर बनती है. कहां पर बनती है? फोकस पे इमेज बनती है. और बहुत छोटी सी इमेज होती है, मतलब डॉट जैसी दिखाई पड़ती है, छोटी होती है साइज में, जिसको हम डिमिनाइज कहते हैं, हाईली डिमिनाइज. डिमिनाइज मतलब बहुत छोटी. ठीक है, और इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो यहां जो इमेज बनती है वो उल्टी नजर आती है, बहुत छोटी सी होती है, हाईली डिमिनाइज, इन्वर्टेड. और क्योंकि क्या बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, तो रियल इमेज बनती है. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं. ऑब्जेक्ट यहां पर है, वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वही का वो है जिसकी हम कैंडल है, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज है, उसका साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा. उसको थोड़ा और पास लाते हैं तो अब इमेज जो है वो यहां बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी. वापस से डिमिनाइज्ड होती है, मतलब पहले वाली से थोड़ी बड़ी होती है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है, रियल है, इन्वर्टेड है, फिर वापस से उल्टी बनी हुई है और रियल है. फिर हम ऑब्जेक्ट को और अगर हम पास लिया है, यहां पर ले आते हैं, वही ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज की होती है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज है, सेम साइज की होती है और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है. अगर हम अब इसको और इधर ले आए, यहां ले लें ऑब्जेक्ट को, तो इमेज क्या होगी, इधर बनती है, बड़ी हो जाती है, एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बड़ी हो जाती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की रहती है लेकिन इन्वर्टेड रहती है. फिर यदि हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को यहां ले आए, फोकस के ऊपर ले आए, तो इमेज इस साइड बनती है और क्या होती है, बड़ी भी होती है, इरेक्ट भी होती है, जैसा ऑब्जेक्ट है खड़ा हुआ वैसी इमेज खड़ी है, और वर्चुअल होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि कॉनकेव मिरर छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत सारी इमेजेस बनाता है। अब इस मिरर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका मिरर को हम यूज करते हैं एज ए सेविंग मिरर, जहाँ सेव बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जो मेंस पार्लर होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, छोटे छोटे बालों को भी एनलार्ज करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा, तो इजीली वो हटाए जा सकते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करता है क्योंकि इमेज को एक टाइम तो ऐसा आ रहा ना, बड़ी करके दिखा रहा है, तो डेंटिस्ट इसको यूज़ करता है हमारे कैविटी जो है वो देखने के लिए इसको यूज़ करता है। इसके साथ साथ इसको यूज किया जाता है फ्लड लाइट में। ठीक है, एज ए फ्लड लाइट, मतलब जो दूर दूर जब बाढ़ आती है नदी में तो उसको शो करने के लिए, क्योंकि बहुत दूर तक रिफ्लेक्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एज ए रिफ्लेक्टिंग मिरर। रिफ्लेक्टिंग मिरर के लिए भी जैसे प्रोजेक्टर में हम इसको यूज करते हैं कि लाइट को क्या करे, फैला के दे, रिफ्लेक्ट करके दे, तो वहां हम इसका यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, सेम यही चीज, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा इमेज चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, यहाँ से किसी भी जगह पे इन्फिनिटी से फोकस तक, कहाँ बनेगी, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और साथ साथ छोटी इमेज बनती है, हमेशा छोटी इमेज बनती है। ठीक है, इसलिए इस मिरर को भी हम स्ट्रीट लैम्प पे यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर। क्या करता है ये, एज ए रिफ्लेक्टर की इमेज जो है लाइट को डाइवर्स करके भेज रहा है वापस से किसी बिल्डिंग में जो है रिफ्लेक्शन के लिए, हम इसको एज ए रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। इसको हम सिक्योरिटी मिरर के लिए भी यूज करते हैं कि ये पूरे कोने कोने तक की क्या करता है, ये हमें रेंज दिखा सकता है, क्योंकि छोटी इमेज बन रही है तो उसका वाइड जो रेंज है वो कवर हो जाता है। इसी के साथ हम इसको यूज करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर, गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो साइड वाला मिरर होता है उस पे हम इसको यूज करते हैं, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी हमें पता चले, क्योंकि साइज में छोटी होती दिखाई पड़ती है गाड़ी, तो एक वाइड रेंज उसके आसपास का एरिया हमें इजिली दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंस। लेंस भी दो तरीके के होते हैं। लेंस होता क्या है, यदि हम कोई क्या कह ले, एक स्पाइरिकल ट्रांसपेरेंट बॉल ले लें, ठीक है, और दूसरी उसको इस तरीके से दोनों को जोड़कर जो ये पोर्शन निकला, एक मिरर, एक लेंस, ये हो जाता है और ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा लेंस जो हम बना सकते हैं वो किस तरीके से बनता है कि इनको अलग अलग रख लें, इस तरीके से इनको अलग अलग रख लें, तो जो ये एरिया आया, इस तरीके का लेंस बना, वो कहलाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो लेंस टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉनवेक्स। अब जैसे 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 हमने बताया इसमें क्या क्या चीजें होती है लेंस में, ठीक है, ये एक लेंस है। मिरर का क्या था, मिरर में एक फोकस था लेकिन एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर सब चीज दो होते हैं, क्योंकि ये लेंस इस तरीके से, इसको अगर हम बनाए ये और ये, इस तरीके से सर्कल से आया हुआ रहता है, इसलिए इसमें दो फोकस होते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम फोकस ना कह के क्या कहते हैं, एफ बोलते हैं, 2F, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट कहलाता है ऑप्टिक सेंटर, और यहां अगर हम बात करें इसको बोलते हैं 2F, और ये हो गया F। अब यहां पर दो होते हैं लेंस में, दो होते हैं, ये F1, 2F1। सेम इसी तरीके से अगर मैं ऑप्टिक सेंटर इधर ले लूं, तो यहां आ जाएगा F2 और 2F2। ठीक है, अब याद कीजिए, मिरर में जब इमेज इस साइड बन रही थी, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बन रही थी, तो वो थी रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड थी होती है, मैंने बताया था पहले,
यहाँ पर जो इमेज इस साइड बनती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज, और जो इमेज इस साइड बनती है उसको कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। याद रखिएगा इस चीज को। अब ये है कॉन्वेक्स लेंस, सेम इसका वही प्रोसीजर है जैसे कि कॉनकेव मिरर का है। जब हम इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट रखते हैं, बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो यहां पर वो बनता है, इमेज बनती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, हाईली डिमिनाइज होती है, बहुत छोटी सी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, फिर हम थोड़ा और आगे आते हैं, यहाँ इसके पीछे जाते हैं, तो इमेज जो है यहाँ बनती है, थोड़ी सी पहले वाली से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी डिमिनाइज्ड होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। फिर हम और आगे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ इमेज बनती है और वो कैसी होती है? सेम साइज की होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज जो है वो कहाँ बनती है? यहाँ बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और एनलार्ज होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम और पीछे रखते हैं, इन्फिनिट मतलब और आगे आते हैं, तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज जो बनती है वो बनती है इन्फिनिटी में, इमेज बनती है। कैसी होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और लार्ज होती है। अब इसके बाद यदि फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज जो होती है वो इधर ही बनती है। ठीक है ना, इमेज उसी साइड, इसके पीछे की साइड बनेगी और कैसी होगी? वर्चुअल होगी, एनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी। सेम वही प्रोसीजर जो किस पे था? कॉनकेव लेंस मिरर में था, वो कॉन्वेक्स लेंस में होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो लेंस है, दोनों ही कांच के टुकड़े जैसे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लेंस कॉनकेव है और कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है? ठीक है, ये देखिएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच से मोटा होता है और साइड जो उसकी एजेस होती है वो पतली होती है। याद रखिएगा, एक का याद रखिए, और इसका वाइस वर्सा होता है, कॉनकेव लेंस मतलब बीच से पतला होगा और साइडें मोटी होंगी। ठीक है, तो ये था आपका लेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। हमारी जो सन से लाइट आ रही है वो व्हाइट कलर की हमें नजर आती है, जब ये किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो ये सेवन कलर्स में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है, ये कहलाता है डिस्पर्सन। और वो कलर कौन से होते हैं? विप, ग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये कलर होते हैं। इन सेवन कलर में लाइट क्या होती है? जब भी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो सेवन कलर में बट जाती है, और दिस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन का एक इफेक्ट है कि डिस्पर्सन की वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, और आपने देखा होगा रेनबो हमेशा रेन जब होती है उसके बाद दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो जो बूंद है पानी की, जो क्या रह गई? आसमान में रह गई है, वो बिहेव करती है एज ए प्रिज्म, और जब लाइट, सन की लाइट उसमें से गुजरती है तो वो स्प्लिट हो जाती है सेवन कलर में। अब इसका कारण क्या है बनने का, कि डिस्पर्सन का कारण क्या है? इसका कारण है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों की वजह से होता है। और दूसरा है अलग अलग कलर की लाइट की स्पीड जो होती है वो, या वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो जब किसी प्रिज्म से जाती है लाइट तो उसमें क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो होता है रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसकी वजह से होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर केयरफुली। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।